हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूं, क्या नाम है और कितने दिन उन्होंने मेरे पास ड्राइविंग सीखी, आज वो कौन सी कार चलाने जा रही है। हेलो। हेलो सर, क्या नाम है आपका? शिवानी। कौन सा डे है शिवानी? आज 11th। और कितने दिन आपने मेरे पास कार चलाई मेरी? 11 डेज हो गए। कौन कौन सी कार चलाई? ऑल्टो, सेंट्रो। ऑल्टो कितने दिन चलाई? सर 6-7 डेज। और सेंट्रो? सेंट्रो 6-7 डेज है, ऑल्टो 3-4 दिन। 3-4 दिन चलाई। सेंट्रो थोड़ी ऊंची गाड़ी है, ऑल्टो थोड़ी नीची गाड़ी है। आज कौन सी कार चलाने जा रही है? आज स्कोडा की कुशाक। कुशाक, ओके। तो हार्ट बीट बढ़ रही है आपकी? बहुत ज्यादा। इससे पहले कभी ये चलाई? नहीं, एक बार ट्राई किया था। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, सेंट्रो और ऑल्टो से ये स्मूथ है, उससे भी आसान है ये चलाना, बसरती इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का आपको आइडिया आ जाए, आपके जो पैरों का मूवमेंट है ना वो समझ में आ जाए, क्योंकि ये सिंगल हैंड गाड़ी, नई गाड़ी है, तो इसमें हर चीज बहुत स्मूथ, बहुत हल्के से यूज करना है। तो सबसे पहले अपने राइट वाले ORBM को चेक करो। जी सर। दिख रहा है प्रॉपर? देखो, पूरी गर्दन नहीं घुमानी होती है शिवानी, हल्की सी आंखों की पुतलियां आपकी जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सामने से आपकी नजर यूं गई, हल्का सा राइट वाला ORBM में लुकिंग ग्लास इशारे से, ये वाला जो आपका लेफ्ट वाला ORBM में, इसमें हल्की सी गर्दन आपकी घूमती। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा मेरा रहा है? लेफ्ट वाला। ठीक है, अभी क्लच दबा के एक दो बार चेक कर लूं। ठीक है। हाँ, अब फर्स्ट गियर डालू, सेकंड गियर डालू, थर्ड गियर डालू, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, रिवर्स गियर। हाँ, इसमें रिवर्स गियर पुश करके लगता है, बाकी वरना वगैरह में जो वरना की गाड़ियां हैं और पोलो वोलो में उठा के लगता है। ठीक है, अभी न्यूट्रल कर लो। चलो अभी फर्स्ट गियर डालो, और आपको करना क्या है? चलो फर्स्ट गियर डालो, कुछ नहीं करना है, बस गाड़ी को थोड़ा सा 1 मीटर बढ़ाना है, फिर रोक लेना है। क्लच और ब्रेक से गाड़ी, हल्की सी गाड़ी अपनी राइट दबा के रखो, क्योंकि अगर हल्का सा लेफ्ट आएगा तो आपका ORBM टच हो जाएगा वैगनार में, बस ज्यादा नहीं, इशारे से बस। हाँ, जाने दो धीरे से, थोड़ा सा क्लच छोड़ना है, ज्यादा नहीं, ब्रेक नहीं दबा होना चाहिए, क्योंकि डिस्क ब्रेक है, जरा सा भी ब्रेक दबा होगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। बस अब स्टीयरिंग सीधा कर लो, बस अब पूरा क्लच दबाओ, धीरे से ब्रेक लो, प्यार से एकदम, झटका नहीं लगना चाहिए, स्टीयरिंग बराबर होना चाहिए 3/9 पे। ठीक है, गाड़ी रुक गई, जर्किंग आया? नहीं आया। वापस ब्रेक को रिलीज करो, और शिवानी सबसे ज्यादा आपको लेफ्ट में नजर रखनी है। ठीक है, इसका बोनेट पूरा दिख रहा है, जिस गाड़ी का बोनेट दिखता है ना, चलाना आसान है, इससे आसान फॉर्च्यूनर चलाना है, क्योंकि उसका और ज्यादा ग्राउंड क्लियर समझ में आता है। अभी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आया, अभी यहाँ पे आपको पूरा क्लच दबा लेना है और हल्का सा ब्रेक लेके गाड़ी को निकालना है। अब छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, फिर हाफ क्लच। अब नोटिस किया आपने मेरी गाड़ी में, मैं क्या कहता था? हाफ क्लच दबाना है। जी सर। बोलता ना हाफ क्लच दबा के थोड़ा सा ब्रेक, इसमें मैंने क्यों कहा पूरा क्लच दबा लो, क्योंकि ये फर्स्ट गियर में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जा रही है, 20 जा रही है फर्स्ट गियर में ही विदाउट एक्सीलेटर, और जो मेरी गाड़ी है सेंट्रो ऑल्टो वो 10 ही जाती है विदाउट एक्सीलेटर, क्योंकि पुरानी गाड़ी हो चुकी है, ये नई गाड़ी है। जहां पे भी आपको फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी को धीमा करना है तो इसमें आपको पूरा क्लच लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ताकि इंजन बंद ना हो। हल्का सा राइट रखो, राइट राइट और राइट। हाँ, अभी पूरा क्लच दबा के हल्का सा ब्रेक इशारे से, गुड। अभी राइट का सिग्नल दो, इसमें उल्टा है। जी सर। अब यहां पे हाफ क्लच दबा लेना, हाफ क्लच। हाँ, अब टर्न करो धीरे धीरे, और घुमाओ स्टीयरिंग, और घुमाओ, और बस बस डरो मत, अब सीधी करो धीरे धीरे, सीधी करो स्टीयरिंग 3/9 पे, गुड। पानी लाई हो घर से? नहीं सर। पानी लाना चाहिए था। ये आप घबराओ मत, आप थोड़ा सा आपके फेस का रंग उड़ रहा है, हार्ट बीट दिल निकल के आपका बोनेट पे धड़क रहा है, इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है, तुम कूल होके अच्छी चला रही हो, मैं बैठा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कुछ होगा तो मैं कूद के भाग जाऊंगा। अरे बेफिक्र रहो, चिंता ना करो, कुछ नहीं होने वाला, इतना तो मैंने सिखाया है। कल कहाँ कहाँ चला के आई थी गाड़ी? फिर 1090 वाले चौराहे को आपने क्रॉस कर दिया समता मूलक, और क्या चाहिए बताइए, इतना ट्रैफिक होता है। अभी यहाँ स्लो करके हाफ क्लच लेके धीरे से निकालना है, अभी आगे जाने दो, अभी नहीं, अब रुको यहाँ पे, स्टॉप करो, स्टॉप स्टॉप। देखो एक चीज बताता हूँ, जैसे कि अभी गाड़ी, ये जो पिलर था ना, हमें ये कैसे पता चलेगा कि गाड़ी हम कितनी, हमारी गाड़ी निकलने के बाद हमें गाड़ी टर्न करनी चाहिए? जैसे ये थोड़ी लंबी गाड़ी, तो इसका इतना हिस्सा निकलने के बाद, ये देख रहे हो आप डोर, ये ये पूरा हिस्सा निकलने के बाद आप लेफ्ट घुमा सकते हो। अभी टर्न करो, पीछे गाड़ी आ रही है आपके,
चलो 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 घुमाओ घुमाओ घुमाओ, घबराओ मत, हाँ बस सीधी करो। आप ना शिवानी क्लच ज्यादा छोड़ देती हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे क्लच बहुत लाइटली, हाफ से भी कम छोड़ना है। मैंने कहा ना कि हर गाड़ी का क्लच अलग होता है, इसमें 20% क्लच रिलीज करने पे गाड़ी मूव करने लगती है, तो आपको 50% छोड़ने पे तो गाड़ी स्पीड ज्यादा पकड़ लेगी ना, और हल्का लेफ्ट आओ, थोड़ा सा लेफ्ट आओ, और अब पूरा क्लच दबाओ फुल और धीरे से ब्रेक। और एक चीज और, जब गाड़ी आप रोक रही होंगी उस टाइम आपकी नजर लुकिंग ग्लास ORBM पे, क्योंकि यहाँ रोकने का कोई रीजन नहीं है, पीछे से कोई हिट कर देगा क्योंकि यहाँ रोकने का कोई रीजन ही नहीं है, तो आपको एक बार नजर आपकी जैसे फ्रंट में आपकी नजर है वैसे बैक साइड में भी नजर होनी चाहिए। वो किसके जरिए रखोगे? लुकिंग ग्लास और राइट और लेफ्ट वाले ORBM, ठीक है। अभी फिर 20% क्लच को रिलीज करके गाड़ी बढ़ाना है, ब्रेक एकदम पैर उस पर होना चाहिए, बस दबाना हो, हल्का सा लेफ्ट आओ और थोड़ा लेफ्ट और लेफ्ट आओ, अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करो तो पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस है आपके लेफ्ट में। हाँ अभी यहाँ पे स्टॉप करो, पूरा क्लच लेके धीरे से ब्रेक नॉर्मल, हाँ स्टॉप करो, हाँ अब जैसे हम यहाँ स्टॉप नहीं करते, नॉर्मल चल रहे होते तो हम इसको ऐसे डिपर देते, देख रही है पासिंग डिपर होता है, उसकी लाइट देखो गाड़ी पे लाइट चमक रही है, तो ये होता है सिंगल रोड पे सामने वाले को अलर्ट करने के लिए। जैसे क्या होता है, इधर से कोई बंदा जा रहा है तो उसको हम हॉर्न देके अलर्ट करेंगे, वैसे हॉर्न गाली होता है, बाहर कंट्री में हॉर्न नहीं बजाते, फाइन हो जाता है। इंडिया में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पे हॉर्न बैन है, तो नॉर्मल वैसे भी ध्वनि पॉल्यूशन होता है, तो नॉर्मल जैसे सामने से कोई सिंगल रोड है, आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियां आती है उस पर पीछे लिखा होता है कृपया पास के लिए डिपर का प्रयोग करें, तो ये नॉर्मल, ये देखो एक बार इसको ऊपर उठाएंगे यहाँ पे एक लाइट भी ब्लिंक करती है, देखो है एक से दो बार मैक्सिमम, एक से दो बार, और ये 50 से 100 मीटर बिफोर, ये नहीं कि गाड़ी आप वहां लेके पहुंच गए अब उसको पासिंग डिपर दे रहे हैं, थोड़ा सा बिफोर, जैसे उसने वहां से टर्न किया था ना डिजायर वाले ने, तो आपका यहाँ पे पासिंग डिपर हो जाना चाहिए था, इससे क्या उसकी आंखों पे लाइट लगती वो एकदम से अलर्ट हो जाता, ठीक है। अभी बढ़ाओ जाओ, स्टीयरिंग को बहुत लाइट पकड़ना, गाड़ी देखो पीछे जा रही थी आपकी, क्यों? क्योंकि हल्का सा पीछे ढलान था, तो ऐसी कंडीशन में अगर ढलान है तो पहले में क्या रिलीज करना है? क्लच, स्लूपिंग की प्रैक्टिस कराई ना मैंने जी सर, तो पहले क्लच रिलीज करना, जब गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाए उसके बाद ब्रेक छोड़ना। अभी मैं यहाँ पे स्लूपिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा चढ़ाई पे, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी हिली एरिया में आप चल रहे हो या मॉल की बेसमेंट पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे हो, अभी खुरम नगर चौराहे को ले लो, आप चौकी पे खड़े हो गए, ट्रैफिक जाम होगा, उसके बाद बढ़ाओगे तो गाड़ी पीछे जाने लगती है, हल्की स्लोपिंग नहीं है, लेफ्ट चलना है, लेफ्ट, राइट चलना चाह रहे हो? कहीं नहीं सर, हल्का लेफ्ट आओ और थोड़ा लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ हल्का और थोड़ा सा, बस रुको स्टॉप करो, पूरा क्लच और ब्रेक, घबराओ मत, रुक लिया, अभी पहले क्या दबाया आपने? पहले क्लच फिर ब्रेक। अभी जैसे कि मान लो यहाँ पे स्लोपिंग वाला एरिया है, थोड़ा चढ़ाई है, टर्निंग पॉइंट भी है और चढ़ाई भी है, ऐसे में कंडीशन बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि भाई चढ़ाई है तो हल्का एक्सेलेटर भी लेना होगा और टर्निंग पॉइंट है तो स्टीयरिंग भी संभालना है। अब पहले आप क्लच छोड़ो, सॉरी पहले ब्रेक छोड़ो, वापस ब्रेक दबा लो, हाँ गाड़ी पीछे जा रही थी, तो नॉर्मल क्या करते हैं, जैसे 10 दिन आपने मेरे पास ट्रेनिंग ली तो नॉर्मल क्या होता, प्लेन रोड पे जब भी आप गाड़ी उठाती थी तो पहले आप ब्रेक छोड़ती थी फिर हाफ क्लच, है ना, तो आदत किसकी पड़ गई आपकी? ब्रेक छोड़ने की। और लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमको पहले क्या छोड़ना है? क्लच, इसी को याद रखना है, ठीक है। अभी आप 20 से 30% क्लच छोड़ोगे इंजन वाइब्रेट करने लगेगा, फिर आप ब्रेक छोड़ोगे गाड़ी पीछे ना जाके आगे जाएगी, बस छोड़ो, जैसे इंजन वाइब्रेट करे थोड़ा सा खींचने का साउंड आया बस ब्रेक को रिलीज कर दो। अगर आपने क्लच और ज्यादा छोड़ दिया और ब्रेक नहीं छोड़ा तो इंजन आपका बुझ जाएगा, अब पीछे गाड़ी ध्यान रखना, हाँ अब कोशिश ये करना, क्योंकि आप स्लो चल रहे हो ना तो बहुत ज्यादा स्लो चलने से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो जब भी कोई सामने से बड़ी गाड़ी आए तो एक टायर आपको नीचे उतार लेना है, ठीक है, और टायर उतारते वक्त आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए और पूरा क्लच दब जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी हमको एकदम धीमी करनी है, एकदम जीरो, इंजन को फ्री कर देना, जो इंजन एक्टिव है ना उसको डीएक्टिवेट कर देना। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो आप पूरा क्लच दबा लो, पूरा क्लच दबाने के बाद अगर अचानक ब्रेक भी आप लगा दोगे तो गाड़ी झटके से रुक जाएगी, हल्का सा लेफ्ट आओ, देखो पीछे से बाइक वगैरह आ रही कुछ, ठीक है, आपकी नजर जो है ना लेफ्ट वाले और राइट वाले ORBM में रहनी चाहिए। अभी आपको लेफ्ट वाले ORBM में देखो क्या लग रहा है, कितना स्पेस है सर? बिल्कुल नहीं, रोड पे अभी कम से कम 2 से 2.5 फीट स्पेस है अभी, ढाई, हाँ वो आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब जिस गाड़ी से आप सीख रही थी उसकी लंबाई 12.5 से 13 फीट है, इसकी चौड़ाई 8 फीट है गाड़ी की, उसकी चौड़ाई 7.5 फीट थी साइड मिरर लेके, इसकी चौड़ाई 8 फीट से भी ज्यादा है, ठीक है, जहां बैठे हो यहाँ से 7 फीट इसका बोनेट आगे है, उसका 6 फीट, बट इसका बोनेट पूरा आपको दिख रहा है क्लियर, है ना,
अभी थोड़ा सा एक्सीलेटर लो हल्का सा, सर क्लच नहीं छोड़ा है पूरा अभी, छोड़ो क्लच पूरा। ओके घबराओ मत, डरो मत, एकदम कूल होके। हाँ पासिंग दीपर दो इसको, गुड। बस अगर सामने वाले को एकदम अलर्ट करना, जैसे किसी को हम आंखें दिखाते हैं ना, हल्का लेफ्ट आ जाओ, हल्का सा लेफ्ट। हाँ बस और लेफ्ट आओ थोड़ा, बनारस का है, लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट, बनारस का है ना, ध्यान रखो जेट ब्लैक शीशे भी हैं उसके। थोड़ा पूर्वांचल वालों लोगों से बच के रहना चाहिए। हल्का लेफ्ट आ जाओ, और लेफ्ट आओ, थोड़ा सा लेफ्ट और लेफ्ट। आपने इसको डिपर दिया था, नहीं दिया था, इसको नहीं दिया था, उसको दिया था। डिपर जैसे कि आप सामने वाले को हॉर्न देते हो ना, तो हॉर्न का काम डिपर करता है। अभी जितनी गाड़ियां 2018 के बाद लॉन्च हुई उसमें सब में डे में भी एलईडी जलती रहती, वो क्यों जलती रहती है, सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि सामने वाले का अट्रैक्शन आपकी तरफ आए, उसकी नजर पड़ती है। अभी सामने से जैसे दो गाड़ियां आ रही है, एक की लाइट जल रही है, एक की न जल रही, तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे जाएगा आपका, जिसकी लाइट ऑन होगी। और जब भी ऐसी सिचुएशन में आपको डाउट हो कि मैं क्या करूं, पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके रोक के खड़े हो जाओ। जैसे सपोज करो अभी सामने से बड़ी गाड़ी कोई आ रही है, ठीक है, सफारी या सपोज उसको कोई टेम्पो आ रहा है, तो आपको क्या करना, एक टायर नीचे उतार के और गाड़ी रोक लो। अब ये नहीं कि इसी जगह आप रोक के खड़े हो जाओ तो वो कहां जाएगा, स्पेस भी उसको देना है ताकि वो इजिली निकल जाए। जैसे आप पूरा क्लच लेके ब्रेक लेके रोक लोगे तो उसकी जिम्मेदारी होगी पूरी, वो फिर दाएं बाएं करके अपने आप ही निकाल के ले जाएगा जहां पे कुछ ना समझ में आए। और जब भी कभी आप नीचे गाड़ी को डाउन करेंगे, उसके बाद वापस आने से पहले आपको राइट वाला ORBM चेक करना ही करना है। एक गाड़ी के साथ कई दो तीन गाड़ियां होती, तो आपको तो एक ही गाड़ी दिखी, वापस वो निकली, आपने तुरंत राइट दबा दिया, तो ऐसे गाड़ी पूरी रगड़ जाएगी। ठीक, अभी यहां से हमें चलना है राइट, खुरम नगर चले चौराहे पे, नहीं सर, आराम से स्लो करके दोनों साइड देख के लेफ्ट और राइट, आगे से जाके अपना दोनों साइड देखना लेफ्ट और राइट। यहाँ पूरा क्लच दबा लेना टर्निंग पे, वेरी गुड, सीधी करो, स्टीयरिंग छोड़ दोगे अपने आप वापस आ जाएगी, समझ रहे, अपने आप वापस आ जाएगी। अभी जाओ बढ़ाओ थोड़ा सा स्पीड, बढ़ाओ, गुड, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, चेंज करो गियर, सेकंड, कौन सा गियर डाला है सर, सेकंड है, फोर्थ गियर है, तभी तो मैंने पूछा था कौन सा गियर डाला है, लेफ्ट को दबा कर, हाँ नीचे। राइट रखो हल्का, और आपको मैंने बोला है ना गियर चेंज करते टाइम राइट वाला आपका हाथ कहाँ होना चाहिए, था भी नहीं था, इसलिए आपकी स्टीयरिंग लहराई थी। हाँ बस हल्का राइट रखो, ज्यादा नहीं, हाँ लेफ्ट में पोल भी है, बस हल्का लेफ्ट आओ, बस और लेफ्ट, रोक लो पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, स्टॉप करो गाड़ी, बस धीरे से, हाँ बस, वो भी सीख ही रहा है, वो भी सीख ही रहा है, बट उसने एल नहीं लगा रखा है। ठीक है, अब इसको पहले गियर में करो, गाड़ी कभी भी किसी भी कंडीशन में आप रोक सकते हो शिवानी, उसको मूव करने के लिए फर्स्ट गियर करना कंपलसरी है। अगर आप ट्रेंड हो तो आप सेकंड गियर में हाफ क्लच पे हल्का एक्सीलेटर लेके गाड़ी को मूव कर सकते हो, बट करना नहीं चाहिए, क्लच प्लेटें जाती हैं। ठीक है, अभी चलो, और थोड़ा सा ना सामने वाले की एक्टिविटी को देखा करो, सामने वाले की एक्टिविटी को देखने से आइडिया, अभी थोड़े टाइम बाद जब चलाने लगोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अगला बंदा नौसकिया है या वो टर्न करना चाह रहा है, उसकी एक्टिविटी गाड़ी की सिचुएशन से समझ में आ जाता है। कुछ लोग सिग्नल नहीं देते पर फिर भी वो राइट और लेफ्ट टर्न करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलो अभी इसको पासिंग डीपर दो, गुड, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, इशारे से पीछे खींचो, खींचो, गुड, ये लगा सेकंड गियर, बट आपका 12 o'clock पे हाथ नहीं आया था। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, गुड, ब्रेक पे पैर रखो, हाँ एकदम स्ट्रेट चलना है हमें, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ गुड, जाने दो धीरे धीरे। दोस्तों आज इन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी कार चलाई है, बट इनकी हार्ट बीट बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत आ गई है, अभी थोड़ा सा लगभग 15-20 मिनट हो गए इनको चलाते हुए, एक दो बार निकालेंगी तो धीरे धीरे अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, जय हिंद, वंदे मातरम, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।